छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक दलों में प्रवेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जूट मिल फटहा मुड़ा इलाके के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैन ठेठवार की उपस्थिति में कांग्रेस प्रवेश किया। इस मौके पर प्रकाश नायक ने सभी को कांग्रेस प्रवेश कराते हुए पार्टी हित में कार्य करने की अपील की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैन ठेठवार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों में भाजपा के प्रति खूब नाराजगी है। भाजपा की नाकामियों और गलत नीतियों को उजागर किया जा रहा है। लोग भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं। विधायक प्रकाश नायक की उपस्थिति में हुए कांग्रेस प्रवेश के बाद नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सभी लोगों ने भाजपा की कार्य प्रणाली से नाराज होकर कांग्रेस में प्रवेश किया है। आज बांजीपाली में खास करके मुस्लिम जमात के लगभग 250 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है और ये कई बड़ा अवसर था लोकसभा के मद्देनजर देखते हुए, और निश्चित रूप से इससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी इस मांझीपाली एरिया में, साथ में पूरे जूट मिल में। और मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने आज प्रवेश किया है वो न केवल जूट मिल में बल्कि उनका जो व्यवसाय है गांव-गांव घूमने का व्यवसाय है वो उनका हमको लाभ पूरे इस विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में मिलेगा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी काफ़ी संख्या में प्रवेश किया है, इस बारे में क्या कहना है आपको? जी आज इनके साथ में महिलाएं भी बहुत संख्या में प्रवेश की हैं, तो जूट मिल में कांग्रेस मजबूत हो रही है और इस लोकसभा में विधानसभा की दुगुना समर्थन को मिलेगा। मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं जूट मिल मस्जिद का सदर हूँ। अपने मुस्लिम समाज के यहाँ जूट मिल के अध्यक्ष भी हूँ। आज लगभग सैकड़ों की संख्या में आपने कांग्रेस प्रवेश किया है। आज हम 145 आदमी को लेकर कांग्रेस प्रवेश किया, जो कि मेरे पीछे लगभग 140 आदमी कांग्रेस प्रवेश किया। क्या लगा कांग्रेस विचारधारा से? किस कांग्रेस विचारधारा से हमको ये लगा कि ये जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हम आराम से जीते हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं? हम यही मुद्दा लेकर कांग्रेस प्रवेश किए कि जो भी मोदी जो वादा किया वो वादा नहीं निभा पाए। जो अभी हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भूपेंद्र बघेल जी का, उसमें किसानों का कर्ज माफ हुआ, गरीबों का जो भी है 35 किलो चावल देने का जो ऐलान हुआ, बिजली बिल आधा माफ़ हुआ, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। किसानों के लिए 2500 रुपये जो क्विंटल धान हुआ उसमें किसानों की बहुत खुशहाली। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भी प्रवेश किया। हाँ, समाज की सैकड़ों के संख्याओं में महिलाओं ने भी प्रवेश किए कांग्रेस में।